कि हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत ही सुना है पटनी टॉप के बारे में। तो चलिए देखते हैं पटनी टॉप में क्या क्या है देखने का। हम लोग अभी पटनी टॉप के तरफ जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। हमारे साथ कुमार साहब हैं, मैडम कुमार है, मेरी श्रीमती रूबी सेन है और साथ में मैं भी हूँ और हमारा जो सुनील बाबू है हमारे साथ, जो कि बहुत अच्छे चालक भी है और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। तो ये हमारा सुनील बाबू है, इस वेरी नाइस जेंटलमैन। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हंसते खेलते जा रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय। ये अभी हम लोग गोंडोला राइडिंग के लिए जा रहे हैं। गोंडोला जो पॉइंट है वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं, एरियल रोपवेज। तो वहाँ पर हम लोग राइड करेंगे, राइड करने के बाद फिर यही पॉइंट पे आएंगे। आना जाना यहाँ पे है, लगभग आ चुके हैं। और ये विहंगम दृश्य पटनी टॉप का, जो कि हरियाली से भरपूर है। रास्ता थोड़ा सकरा है और एक तरफ तो पूरा खाई है।
और ये हम लोग आ गए गंडोला पॉइंट पे, जहाँ पे एरियल रोपवे है, और अभी हम लोग यहाँ टिकट लेंगे। और टिकट का प्राइस है 1200 रुपीज़ पर हेड। और जब तक टिकट लिया जा रहा है उसके पहले थोड़ा फ़ोटोशूट करना तो बनता ही है। और यहाँ का रोज़ेस देखिए, फ्लावर्स देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मुझसे रहा नहीं गया, सो मैं बैठ गई नीचे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। सो ये तो बनता है, ये मेमोरीज रह जाती है, बाकी हम सब तो चले जाते हैं। और देखिए ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लिया जा रहा है, और मैं पूरा आपसे शेयर करूँगी ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें। जब तक टिकट लिया जा रहा है मैं एंट्रेंस पे आ गई हूँ, और ये देखिए ये इस तरह से है, मुझे बताया जा रहा है कि उस तरह से एंट्री किया जाता है उस तरफ से। और एक एक करके गंडोलास आ रहे हैं, रोपवेज आ रहे हैं, और ये इस तरह से बना हुआ है। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं गंडोला राइड। एक गंडोला में सिर्फ 6 पर्सन्स ही अलाउड है बैठने के लिए। और हमारा टर्न भी आ गया और हम लोग गंडोला में बैठने लगे। और गंडोला के जो स्टाफ्स हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बैठने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सर बीच में रुक भी सकता है, जैसे बिजली पे चल रहा है, अगर बिजली चली जाती है बाद में लगता है मैं जनसभा पे चलाने के लिए घबराने के पास। हम लोग अभी गंडोला राइड में है और बहुत मजा आ रहा है, हालांकि अभी काफी स्लो चल रहा है। और नीचे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम हरियाली भरा हुआ है। और देखिए हमारे राइट साइड में देखिए देवदार के वृक्ष पूरा भरे पड़े हैं, और जस्ट सामने कुमार साहब हैं, मैडम कुमार हैं। तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं शाम को। अभी थोड़ा सा जो मौसम है वो क्लाउडी हो चुका है, आप लोग भी हम लोग के साथ एंजॉय कीजिए और यहाँ आइए राइड कीजिए। एक डर लग रहा है कि कहीं पावर चले गया, जनरेटर है तो एकदम जनरेटर चालू कर देगा ऐसा, और अगर पावर चला गया तो हम लोग बीच में ही रहेंगे। अच्छा लगेगा। पानी का बोतल तो रखे हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ है ऊपर से, चारों तरफ बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। देवदार के पेड़ लंबे लंबे दिख रहे हैं और पूरा ग्रीन देखिए। और एक बार तो ये वाला राइड ज़रूर करना चाहिए, मैंने तो इसके पहले भी किया है गंडोला राइड। और देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वो स्टेशन वहाँ पे है, आधी रास्ता तक हम लोग पहुँच चुके हैं, आधी रास्ता और तय करना है और फिर इसी रास्ते से वापस हमें आना है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बैठ के बहुत गपशप कर रहे थे और चारों तरफ का व्यू देख रहे थे, बहुत मज़ा आया। नीचे देखिए बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे खेती किया जाता है, और बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। देखिए लाइट चली गई है और गंडोला रुक गई है, और बगल में और एक गंडोला भी दिख रहा है रोपवे पर, वो खाली है। और 5 मिनट के अंतराल के बाद ही गंडोला फिर से चलने लगी और हम लोग पहुँच गए दूसरी तरफ। और देखिए यहाँ पे हैंगिंग गार्डन्स, प्लांट्स कितना सुंदर लग रहा है, और फूल देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट फूल फ्लावर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मोटर बाइक राइड, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हमने नहीं किया है। बच्चे लोग यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, और बैठने की अच्छी व्यवस्था है, वॉशरूम्स है, बड़ा साफ़ सुथरा है। हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठे और फिर यहाँ से रिटर्न हो गए। यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स भी हैं 2-3 कैप्स वगैरह के और कुछ शो पीसेस के।
और फिर से हम लोग बैठ गए गुंजोला में। और ये देखिए फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं अपने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग को एरियल रोपवे से वापस जा रहे हैं पटनी टॉप की तरफ, और अभी शाम के 4 बजे है, लगभग 5 बजे है लगभग, ये 5:30 बजे तक यहाँ बंद हो जाएगा और उसके बाद कल सुबह चालू होगा 10 बजे। बड़ा मज़ा आया इसमें, हम लोग जो ऊपर से नीचे का व्यू देखे, उसमें खेती बाड़ी भी देखे, प्याज का उगाव भी देखे, गेहूँ बुआई देखे, और उसमें जो गांव वाले का दिनचर्या है वो भी देखे, जो यहाँ पे आपका पटनी टॉप जो जम्मू कश्मीर इलाके में आता है। और अभी हम लोग एरियल रोपवे में बैठे हुए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं लौटते वक्त। फिर से लाइट चली गई है और हम लोग लक्ष्मण झूला टाइप का बीच में लटक गए, हम लोग झूला राम हो गए यहाँ पर। और ये जो रोपवे है इसको फ्रांस की कंपनी ने इंस्टॉलेशन किया है, इसका कॉस्ट लगभग 76 करोड़ रुपये आया है, केवल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट किया, बाकी जो कॉस्ट है वो छोड़ के। और जैसा कि पता चला है फ्रांस के इंजीनियर जो इसमें आए हैं 1 दिन का 1.5 लाख रुपये पेमेंट लेते हैं। गुंडोला राइड हमारा यही पे एंड होता है और हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे और अभी हम लोग उतरेंगे इसमें। और ये रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है, चलते चलते ही इसमें उतरना रहता है। आप देखिए ये धीरे धीरे मूव कर रही है और हम लोग इधर उतर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने जितना हो सका सारे डिटेल्स मैंने शेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जो कि पटनी टॉप का ही और भी बहुत कुछ देखने लायक जगह है जहाँ पे मैं आपको आप सबको लेके चलूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे connected.